तारुफ क्या पूछते हो दोस्तों, मैं मोहब्बत का वो सुरीला साज हूँ जिस पर नजर इनायत है आपकी, मैं उसी मोनिका की आवाज हूँ। यू मस्ट बी थिंकिंग कि आज इतनी रॉयल इंट्रोडक्शन क्यों दी जा रही है। एक्चुअली विलियम शेक्सपियर हैज सेड व्हाट इज देयर इन नेम, नाम में क्या रखा है। मगर आप जानते हैं कि इस दुनिया में जो भी कोई चीज है, इंसान है, कोई थिंग है, कोई आर्टिकल्स हैं, सबके अपने अपने नाम हैं। ये पेंसिल है, दिस इज द डायरी, माई वॉच, माई फिंगर्स, ओ माई फिंगर्स, इवन के दीज फिंगर्स हैव नेम, दिस इज टॉमी थम। टॉमी थम, टॉमी थम, वेयर आर यू, आई एम हियर, पीटर पॉइंटर, पीटर पॉइंटर, वेयर आर यू, आई एम हियर, tall man, where are you? I am here, little doll, ring, finger, where are you? I am here, my pinky, where are you? I am here, friends, improving motor skills are very important. Motor skills means movement of your fingers. Tender hands होते हैं बच्चों के, छोटे छोटे प्यारे प्यारे से hands. उनको हम ज़्यादा stress भी नहीं दे सकते, मगर हम ऐसा भी नहीं है कि उनको gripping के बारे में ना बताएं, उनको motor skills develop करने के बारे में ना बताएं. Simple simple exercise उनके लिए बहुत ज़रूरी है. आपने देखा होगा कुछ बच्चे पेंसिल ऐसे पकड़ते हैं, इस तरह से पूरा स्ट्रेस देकर लिखते हैं कि एक पेज पे लिखा हुआ पिछले पेज पे उसका इम्प्रेशन आ जाता है, और कुछ बच्चे इतना लाइट लिखते हैं कि आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ता है दैट व्हाट दे हैव रिटन। सो ये होता है किस तरह से प्रेस करते हैं, और प्रेस करने के तरीके से पता चलता है हाउ यू आर होल्डिंग द पेंसिल। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, आपने देखा होगा, दे आर नॉट होल्डिंग द पेंसिल प्रॉपरली, इवन दे डोंट वॉन्ट टू होल्ड द पेंसिल। एक्चुअली उनमें मोटर प्रैक्टिस की थोड़ी सी डेफिशिएंसी होती है। तो मोटर प्रैक्टिस देने के लिए बहुत इजी सी एक्सरसाइजेस आज हम मदर्स के लिए लेकर आए हैं, वो एजुकेटर्स जो घर में फ्री में पढ़ाते हैं और पढ़ाते हैं प्ले वे मैथडोलॉजी के साथ। तो ये जो मोटर स्किल्स आज हम आपको विल डिस्कस, ये सारे बहुत ईजिली आप घर में कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके घर में ऐसे मोटर और पेंसिल होगा, है ना? अब इसको हमने यूज कैसे करना है, इस तरह से। और जब मैं इसको यूज करती हूं तो मेरी सारी फिंगर्स इस तरह से इकट्ठी होती हैं, ब्लड सर्कुलेशन वो रमा होता है, बहुत फास्ट हो जाता है। तो ये जो प्रैक्टिस है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप इसमें बहुत कोई हैवी चीज तो नहीं डाल सकते हो, आप सिंपल पीस ले लीजिए, मटर, मटर के दाने उनको क्रश करने के लिए बोलिए, इलायची के, कार्डमम के बीज उनको बोलिए, वो इसमें क्रश करेंगे। इससे क्या होगा, एक तो कंसंट्रेशन बढ़ेगी कि चीज़ बाहर नहीं जाने देनी है, अंदर ही रखनी है, तो वो कंसंट्रेशन पे उनकी डेवलप हुई, एंड साइड बाय साइड दे आर डेवलपिंग देयर मोटर स्किल्स, मोटर प्रैक्टिस, उनकी ग्रिपिंग और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है। सेकेंड थिंग यू कैन डू इज दिस कटोरी प्रैक्टिस, वन देन वन देन वन देन वन, अब विद अदर हैंड, वन देन वन देन वन देन वन, ये भी आपकी मोटर प्रैक्टिस हो रही है। देन आपके पास है निटेड डो, जब आप आटा गूंथते हैं तो अपने बच्चों को थोड़ा सा आटा दे दीजिए ऐसे प्लेट में, उनको बोलिए चलो इसको प्रेस करो अपने फिंगर्स के साथ, धीरे 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 प्रेस कर रहे हैं, और जब ये ऐसे नेटिक डो अपनी शेप में आ जाए उनको बोलिए ओके, इसका वन बनाते हैं, वन बनाते हैं, इसको हाथ से गोल गोल राउंड 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 राउंड, ओके नाउ विल प्रेस विद दिस विद दिस विद दिस विद दिस। अब क्या करते हैं, इसकी शेप बनाते हैं, इसकी स्क्वेयर शेप बनाए, स्क्वेयर शेप इस तरह से, आई एम प्रिपेयरिंग इट्स स्क्वेयर शेप। और जब वो ऐसे कर रहे होंगे तो उनकी जो मोटर स्किल्स हैं वो डेवलप होंगी ना, और ऐसे स्क्वेयर बन जाएगा। तो ये चीज़ें आपने बच्चों को सिखानी है। अब
ये है, दिस इज अ फॉयल पेपर। फॉयल पेपर को क्रश कीजिए, क्रश 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 क्रश, एक्सरसाइज ऑफ मोटर स्किल्स। यू कैन स्क्वीज द लेमन, आस्क द स्टूडेंट्स टू स्क्वीज द लेमन, 1 2 3 4, अगेन 1 2 3 4, आपकी लेमन भी तैयार हो जाएगी प्लस आपकी मोटर स्किल्स भी होगी। देन आपके घर में कोई भी छोटी सी ऐसी डिब्बी हो, आस्क योर चाइल्ड टू ओपन इट, देन पुट द लेड अगेन, ओपन इट पुट द लेड अगेन, विद अदर हैंड ओपन इट पुट द लेड अगेन, ओपन इट एंड पुट द लेड अगेन। वाटर बॉटल्स, वी हैव वाटर बॉटल्स, घर में वाटर बॉटल्स, आप उसको ओपन कीजिए फिर क्लोज, ओपन कीजिए फिर क्लोज। एंड देन वेरी सिंपल एक्सरसाइज, हैंड मूवमेंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। और ये मोटर स्किल्स जब आपके बच्चे के डेवलप हो जाएंगे तो उसको पेंसिल की ग्रिप करना अच्छी तरह से आ जाएगा। उनका जो पेंसिल का होल्ड है, ग्रिपिंग है, वही डिटरमिन करेगा अबाउट देयर हैंड राइटिंग। अगर उनकी ग्रिप बहुत अच्छी है, देयर हैंड राइटिंग विल बी फ्लॉलेस एंड ब्यूटिफुल। और अगर उनकी ग्रिप अच्छी नहीं है तो फिर से उनकी फॉर्मेशन में प्रॉब्लम आएगी। तो प्लीज़ आप ये प्रैक्टिस अपने बच्चों को घर में ज़रूर करवानी है। एंड आई होप कि आप बहुत मज़ा कर रहे हो, जो भी एक्टिविटीज़ हम आपको भेज रहे हैं वो आप पूरे दिल से अपने बच्चों के साथ कर रहे हैं। एंड वी आर गेटिंग द फीडबैक ऑफ द पेरेंट्स, सम ऑफ द पेरेंट्स दे हैव रिटन सो वेल अबाउट द एक्टिविटीज़, द मटीरियल विच वी आर प्रोवाइडिंग। आर टीचर्स, प्रीविंग टीचर्स, दे आर पुटिंग लॉट्स ऑफ एफर्ट्स टू मेक द चिल्ड्रन हैप्पी एंड ट्राइंग टू कीप दम बिजी। सो इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं विद दिस पॉइंट। चूं चूं करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया, चिड़िया दाल बनाएगी बड़े मजे से खाएगी, मुन्ना नाच दिखाएगा फिर अपने घर जाएगा, फिर अपने घर जाएगा। अब मेरा भी जाने का वक्त आ गया, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे सेफ, स्टे होम, नमस्कार।